एक ओर जहां कलेक्टर शिवपुरी द्वारा शासकीय भूमियों से अवैध कब्जा हटाने की बातें की जा रही है, वहीं दूसरी ओर नरवर नगर अवैध कब्जों का सबसे बड़ा हब बनता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नगर के वार्ड नंबर 9 एवं 11 के अंतर्गत पारवाली माता रोड के दोनों ओर नया तालाब मुबारकपुर शमशान घाट के पास मोहनी रोड पर BRC ऑफिस फिल्टर प्रांत के सामने तथा बालकदास आश्रम पोहा तिराहा आदि पर अवैध रूप से होटल ढाबा बनाकर और झोपड़ियां बनाकर लगभग 100 लोगों ने प्रशासनिक कर्मचारी एवं अधिकारियों की मिलीभगत नीति से लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक की भूमि पर कब्जा कर लिया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, नगर में लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है, बाहर के लोग आकर अतिक्रमण कर रहे हैं और अपनी जगह को बेच रहे हैं, इस पर आप क्या कहोगे? किसी भी अतिक्रमणकारी को मतलब यानी बख्शा नहीं जाएगा, उनका तत्काल अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। सर, ये अतिक्रमण कब तक हटेगा? कलेक्टर साहब के साथ आदेश हैं अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन नरवर में वो नहीं हो रहा है। नहीं, हम जल्दी से जल्दी हटवा देंगे उनको। अपने लखना ताल पर और अपने छोटे ताल पर पारवाली पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है, वहाँ पर लोगों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन उनको किसी का भी डर और खौफ नहीं है, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई कब तक की जाएगी? नहीं नहीं, हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएंगे। मैं अभी एक दिन गया था वहाँ पे, जाके मैंने एक मकान को तोड़वाया भी था, मैं दलबल के साथ गया था वहाँ पे, मैंने तोड़वाया भी था। अब आगे फिर द्वारा से फिर देखूंगा, अगर उन्होंने बना लिया होगा तो फिर द्वारा से तोड़ दिया जाए। जो बाहर के लोग आ रहे हैं तो वो लोग वहाँ पर अपना कब्जा करते हैं, उसके बाद नहीं, हम उसका तुरंत देखते हैं और उसका मकान तोड़ देते हैं। हमने कई लोगों ने वहाँ पर ढाबे वगैरह भी बना दिए, तो उनको देख लिया जाएगा और हटवा दिया जाएगा। नेताजी, नरवर में जो बाहर के लोग आकर अतिक्रमण कर रहे हैं और अतिक्रमण कर वो जगह भी बेच रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, बिल्कुल आपने जो मुद्दा उठाया है मीडिया ने, बहुत अच्छा मुद्दा है। आप ये लगभग 1.5 वर्ष पहले से नरवर बिल्कुल पूरी तरह स्वच्छ वातावरण में यहाँ के नागरिक रह रहे थे, अपने आप को स्वच्छ महसूस कर रहे थे। जब से 1.5 वर्ष पहले से कई बार हमने खुद ने, मैंने स्वयं ने तहसीलदार को, पूर्व SDM को, नगर पंचायत की CMO को आवेदन दिया, लेकिन जे लोग पता नहीं इतने भ्रष्टाचार हो गए हैं, यहाँ के पटवारी जो थे पूर्व में अब उनके ट्रांसफ़र हो गए हैं, इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अतिक्रमणकारियों से साठ गांठ करके शासन की करोड़ों रुपए की भूमि को, जैसे कि आपको बता दूंगा पारवाली क्षेत्र में, पोतराय क्षेत्र पे, BRC ऑफिस पर, और ये जो अपना छोटा तालाब है यहाँ पर, बालकदास आश्रम के पास में, और घेरी नहीं रहे, अतिक्रमण नहीं कर रहे। भू माफियाओं द्वारा जो षड्यंत्र चलाया जा रहा है कि बाहर से लोगों को लाकर नरवर के वातावरण को बिगाड़ना, आज आपने देखा होगा ये लोग जब से बसने लगे हैं चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। आज हमारी बहन बेटी हैं पौतराय तक, पारवाली माता तक जो घूमने जाते थे सुबह हमारे लोग, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और बिल्कुल अतिक्रमण बिल्कुल चल रहा है नरवर में, और बिल्कुल पूरी तरह नगर पंचायत और तहसील के अधिकारियों की मिली भगत है। इसमें मैं बिल्कुल डंगे की चोट पर कह सकता हूँ, इनके द्वारा ही साठ गांठ करके अतिक्रमण करवाया जा रहा है। वैसे कलेक्टर साहब के सख्त आदेश हैं अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन नरवर में उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, मुझे सूत्रों की जानकारी से अभी एक सूचना मिली थी कि कलेक्टर साहब अभी नरवर आए थे, उनसे मीडिया ने पूछा भी कि अतिक्रमण जो चल रहा है भूमि पर शासकीय, उस पर क्या है, तो उन्होंने जहाँ तक मेरे को अंदाज है 4-5 दिन पहले कलेक्ट्रेट में मीटिंग लेकर सभी जिले के अनुभागीय अधिकारियों को, SDMO को साफ निर्देश दिए कि जहाँ भी अवैध अतिक्रमण है हटाया जाए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ पर कलेक्टर साहब के निर्देशों का, आदेशों का दुरुपयोग हो रहा है, उनको नहीं माना जा रहा, और इस विषय में मैं स्वयं 2-4 दिन बाद या दिवाली के बाद जाकर कलेक्टर साहब से मिलूँगा और नरवर से बिल्कुल मांग करूँगा, नरवर से बिल्कुल 1-1 इंच शासकीय भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।